मैं जानता हूँ कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वाधीनता की मांग कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं इस बात पर कायल हो चुका हूँ कि यदि हमें आज़ादी चाहिए तो हमें खून के दरिया से गुजरने को तैयार रहना चाहिए। अगर मुझे उम्मीद होती कि आज़ादी पाने का एक और सुनहरा मौका अपनी ज़िंदगी में हमें मिलेगा तो मैं शायद घर छोड़ता ही नहीं। मैंने जो कुछ किया है अपने देश के लिए किया है। विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने और भारत की स्वाधीनता के लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिए किया है। भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि पर सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं। हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वाधीनता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम जारी इस प्रसारण में महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी और आज़ाद हिंद फौज द्वारा लड़ी जा रही इस निर्णायक लड़ाई की जीत के लिए उनकी शुभकामनाएं मांगी थी। सुभाष चंद्र बोस अगर ना होते तो सोचिए आज हमारा देश कहाँ होता। जय हिंद के नारे को जन जन की आवाज बनाने वाले, परतंत्रता के विरुद्ध जिन्होंने एक सेना खड़ी कर दी जिसका नाम भी जुड़ा था हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी से, आज़ाद हिंद फौज। आइए आपको लेकर चलती हूँ आज़ाद हिंद फौज के गलियारों में, जहाँ देश प्रेम की आग हर भारतीय के सीने में धधक रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। इसी बीच विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, जिसका प्रथम सम्मेलन जून 1942 को बैंकॉक में हुआ। आरंभ में इस फौज में जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए भारतीय सैनिकों को लिया गया था। बाद में इसमें वर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवकों की भर्ती हो गई। आरंभ में इस सेना में लगभग 16,300 सैनिक थे। कालांतर में जापान ने 60,000 युद्धबंदियों को आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया, पर इसके बाद ही जापानी सरकार और मोहन सिंह के अधीन भारतीय सैनिकों के बीच आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के संबंध में विवाद उत्पन्न होने के कारण मोहन सिंह एवं निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। आज़ाद हिंद फौज का दूसरा चरण तब प्रारंभ होता है जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की, किंतु जर्मनी ने उन्हें रूस के विरुद्ध प्रयुक्त करने का प्रयास किया। तब उनके सामने कठिनाइयां उत्पन्न हो गई और उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया जाने का निश्चय किया। एक वर्ष बाद सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे और पहुंचते ही जून 1943 में टोक्यो रेडियो से घोषणा की कि अंग्रेजों से यह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। हमें भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा। इससे प्रफुल्लित होकर रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 46 वर्षीय सुभाष को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा सहित आज़ाद हिंद फौज रंगून से होती हुई थल मार्ग से भारत की ओर बढ़ती हुई 18 मार्च सन 1944 ईस्वी को कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई और ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से जमकर मोर्चा लिया। बोस ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का अमर नारा दिया और 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। उनके अनुयायी प्रेम से उन्हें नेताजी कहते थे। अपने इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं सेनाध्यक्ष तीनों का पद नेताजी ने अकेले संभाला। इसके साथ ही अन्य जिम्मेदारियां जैसे वित्त विभाग एससी चटर्जी को, प्रचार विभाग एसए अय्यर को तथा महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। उनके इस सरकार को
जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मोंचुको और आयरलैंड ने मान्यता दे दी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए। नेताजी उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का स्वराज्य द्वीप रखा गया। 30 दिसंबर 1943 को इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का ध्वज भी फहरा दिया गया। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर एवं रंगून में आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया। 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा भयंकर आक्रमण किया और कोहिमा, पलेल आदि कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम जारी एक प्रसारण में अपनी स्थिति स्पष्ट की और आजाद हिंद फौज द्वारा लड़ी जा रही इस निर्णायक लड़ाई की जीत के लिए उनकी शुभकामनाएं मांगी। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारों के साथ आजाद हिंद फौज का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस मनाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों से मार्मिक शब्दों में कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। फरवरी से लेकर जून 1944 ईस्वी के मध्य आजाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों ने जापानियों के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा एवं बर्मा से युद्ध लड़ा, किंतु दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलट गया। जर्मनी ने हार मान ली और जापान को भी घुटने टेकने पड़े। ऐसे में नेताजी को टोक्यो की ओर पलायन करना पड़ा और कहते हैं कि हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया, किंतु इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी। आजाद हिंद फौज के सैनिक एवं अधिकारियों को अंग्रेजों ने 1945 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया और उनका सैनिक अभियान असफल हो गया, किंतु इस असफलता में भी उनकी जीत छिपी थी। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किला में नवंबर 1945 ईस्वी को झूठा मुकदमा चलाया और फौज के मुख्य सेनानी कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो एवं मेजर शाहवाज खान पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इनके पक्ष में सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई और के एन काटजू ने दिल्ली ले दी, लेकिन फिर भी इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी कार्यवाही हुई। आम जनमानस भड़क उठे और अपने दिल में जल रहे मशालों को हाथ में थामकर उन्होंने इसका विरोध किया। नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। विवश होकर तात्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवन ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर इनके मृत्युदंड की सजा को माफ करा दिया। निसंदेह सुभाष चंद्र बोस उग्र राष्ट्रवादी थे। उनके मन में फांसीवाद के अधिनायकों के सबल तरीकों के प्रति भावनात्मक झुकाव भी था और वे भारत को शीघ्र अतिशीघ्र स्वतंत्रता दिलाने हेतु हिंसात्मक उपायों में आस्था भी रखते थे, इसलिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। यद्यपि आजाद हिंद फौज के सेनानियों की संख्या के बारे में थोड़े बहुत मतभेद रहे हैं, परंतु ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इस सेना में लगभग 40,000 सेनानी थे। इस संख्या का अनुमोदन ब्रिटिश गुप्तचर रहे कर्नल जी डी एंडरसन ने भी किया है। जब जापानियों ने सिंगापुर पर कब्जा किया था तो लगभग 45,000 भारतीय सेनानियों को पकड़ा गया था। मोहन सिंह की पहल पर एक जापानी अधिकारी के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। मोहन सिंह के हाथों में इसकी कमान दी गई थी, मगर नेतृत्व क्षमता में कुशलता की कमी तथा संगठन को सुचारू रूप से नहीं चला पाने के कारण कुछ ही समय में आजाद हिंद फौज का संगठन मृत प्राय हो गया। जब नेताजी साउथ एशिया में आए और संगठन की प्रगति के बारे में जाना तो उन्हें लगा कि अब फिर से आजाद हिंद फौज को उठाकर भारत की आजादी का संग्राम लड़ना होगा। 4 जुलाई 1943 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रवासी भारतीयों की बैठक बुलाई गई। सभी ने सर्वसम्मति से नेताजी को अपना नेता बनाया तथा सुभाष जी ने नेतृत्व अपने हाथ में लेकर संगठन को फिर से खड़ा किया। हिरोशिमा और नागासाकी के विध्वंस के बाद सारे संदर्भ ही बदल गए। आत्मसमर्पण के उपरांत जापान 4-5 वर्षों तक अमेरिका के पांव तले कराहता रहा। यही कारण है कि नेताजी और आजाद हिंद सेना का रोम हर्षक इतिहास टोकियो के अभिलेखागार में वर्षों तक पड़ा धूल खाता रहा। नवंबर 1945 में
दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज पर चलाए गए नेताजी के यश में वर्णातीत वृद्धि की और वे लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुंचे। अंग्रेजों के द्वारा किए गए विधिवत दुष्प्रचार तथा तात्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा सुभाष के विरोध के बावजूद सारे देश को झकझोर देने वाले इस मुकदमे के बाद माताएं अपने बेटों को सुभाष का नाम देने में गर्व का अनुभव करने लगी। घर घर में राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी के जोड़ पर नेताजी का चित्र भी दिखाई देने लगा। आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करने का नेताजी का प्रयास प्रत्यक्ष रूप में सफल नहीं हो सका, किंतु उसका दूरगामी परिणाम हुआ। सन 1946 के नौसेना विद्रोह इसका उदाहरण है। नौसेना विद्रोह के बाद ही ब्रिटेन को विश्वास हो गया कि अब भारतीय सेना के बल पर भारत में शासन नहीं किया जा सकता और भारत को स्वतंत्र करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। आजाद हिंद फौज को छोड़कर विश्व इतिहास में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलता जहां 30-35 हज़ार युद्धबंदियों ने संगठित होकर अपने देश की आजादी के लिए ऐसा प्रबल संघर्ष छेड़ा हो, जहां स्वतंत्रता से पूर्व विदेशी शासक नेताजी की सामर्थ्य से घबराते रहे तो स्वतंत्रता के उपरांत देशी सत्ताधीश जनमानस पर उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य के अमिट प्रभाव से घबराते रहे। महान वीर सावरकर ने स्वतंत्रता के उपरांत देश के क्रांतिकारियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया था और उसमें अध्यक्ष के आसन पर नेताजी के तैलचित्र को आसीन किया था। यह एक क्रांतिवीर द्वारा दूसरे क्रांतिवीर को दी गई अभूतपूर्व सलामी थी। सन 1995 में सिंगापुर की राष्ट्रीय धरोहर परिषद ने वहां निवास कर रहे भारतीय समुदाय के लोगों के आर्थिक सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी की बेहद खूबसूरत स्मृति पट्टिका उसी ऐतिहासिक स्थल पर फिर से स्थापित की, जिसकी देखरेख का काम सिंगापुर की सरकार करती है। 18 अगस्त 1945 को उनकी मौत की खबर आई थी, लेकिन नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई थी। आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर उनकी याद में तिरंगा फहराया था। पूरे देश में इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगस्त 1941 में अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले लिखी अपनी अंतिम कहानी बदनाम में रविंद्रनाथ टैगोर ने आजादी की तलाश में निकले एक अकेले पथिक की अफगानिस्तान के बीहड़ रास्तों में गुजरने का बहुत मार्मिक चित्रण खींचा था। भारत का आज इन्हीं महान क्रांतिकारियों के अदम्य साहस का परिणाम है। इनकी देश प्रेम की मशाल सभी भारतीयों में अनंत काल तक जलनी ही चाहिए।